ग्रैंड मा चेफ कुकिंग की सफलता। परमेश्वरी मेहनती औरत थी। उसका बेटा कलकत्ता में एक बड़े ऑफिसर के तौर पे काम कर रहा था, मगर वो उसके पास रहे बिना अपनी विधवा बेटी शांता के पास आकर रह रही थी। शांता के दो बच्चे थे। कभी कभार बेटा उनकी आर्थिक सहायता करता था, मगर वो पैसे उन्हें काफी नहीं होते थे। एक बार परमेश्वरी के पास शांता की बेटी कीर्ति आकर, नानी नानी, मेरा नाम और भाई का नाम स्कूल रजिस्टर में से निकाल देंगे बोल रहे हैं, कहकर दुख भरी आवाज से बोली। ये सुनकर परमेश्वरी अपनी बेटी शांता से, ये क्या शांता, सब हमारी फूटे कर्म है, हमारे मुश्किलें कब खत्म होगी पता नहीं, कहकर अपने हाथों में से कंगन को निकाल कर, इसे बेच कर पहले फीस भरो, बोली। तब शांता उस कंगन को ली। एक बार परमेश्वरी त्योहार के अवसर पर कई तरह के व्यंजन बनाई। बच्चे उन्हें खाकर, नानी माँ आपके हाथ का खाना सुपर है, कहकर जोर से पुकारे। उस शोर से पड़ोस घर में रहने वाली शारदा बेन आई। अब परमेश्वरी से, शारदा बेन, आज मेरे पति की तबीयत खराब है, कहकर खाना नहीं बनाए, शांता थोड़ा दाल और सालन दोगी क्या, कहकर उन्हें लेकर गई। तब परमेश्वरी शांता से, ये क्या री, उस लड़की को खाना पकाना नहीं आता क्या, उसका पति बनाता है, कहकर पूछी शांता। तब, माँ उसके पति एक स्टार होटल में शेफ है, मतलब वो रसोईया है, उनके बच्चे भी उनके पिता का बनाया खाना ही खाते हैं, बोली। 15 मिनट के बाद शारदा बेन और उसके पति दोनों वहां पर आकर परमेश्वरी से, आपका खाना बहुत बढ़िया है, कहकर खाने की प्रशंसा करके गए। उस रात परमेश्वरी अपनी बेटी से, वाह उतने बड़े होटल में काम करने वाले ने मेरे पराठों की तारीफ की है, हम भी एक चोटी रेडी रखकर उस पे चाट और दूसरे आइटम बनाकर बेचेंगे, बच्चे स्कूल को जाने के बाद हम निकलेंगे, बोली। बेटी भी मान गई। ऐसे थोड़े दिनों के बाद थोड़े पैसे जमा करके वो लोग गांव में एक ठेले पे चाट भंडार शुरू किए। व्यापार धीरे धीरे चलने लगी। उस जगह पर 4-5 और फूड स्टॉल्स रहने के कारण शांता वालों के पास ग्राहक कम आ रहे थे। ये देखकर शांता, यहाँ खाने वाले लोग अच्छा है अच्छा नहीं है कुछ बोले बिना जा रहे है, लगता है इस सेंटर में 4 होटल रहने की वजह से कोई हमारे होटल को नहीं आ रहे है, माँ हम दूसरे सेंटर को जाए क्या, बोली परमेश्वरी। तब, ऐसे कौन सी जगह है जहाँ चाट भंडार, कॉफी होटल, टिफिन सेंटर नहीं हो, हम कुछ नया बनाए तो ही लोग आएंगे, बोली। अगले दिन परमेश्वरी एक बड़ा टेबल लाकर उस पे इस्त्री, मिक्सी जैसे तरह तरह के इलेक्ट्रिक वस्तुएं रखी। बाद में अपने ठेले के पास एक माइक में पुकारते हुए परमेश्वरी, आइए भाई आइए, इनाम जीतिए, यहाँ चाट खाइए, हर चाट के प्लेट के नीचे एक पर्ची मिलेगी, हर 100 प्लेट के बाद एक बार तुरंत लकी ड्रॉ निकालेंगे, ड्रॉ में जीतने वाले को इनाम के तौर पे इस टेबल पे रखे चीजें दिए जाएंगे, कहकर पुकारने लगी। इससे वहाँ मौजूद लोग उमड़कर परमेश्वरी के ठेले के पास आकर वहाँ पर चाट खाने लगे। वो चाट खाकर बाद में उन पर्चियों को जेब में रखने लगे। 100 चाट बेचने के बाद एक बार ड्रॉ निकालने से इनाम जीतने वाले और बाकी के लोग भी बहुत खुश हो रहे थे। अब परमेश्वरी के इस आइडिया के वजह से आसपास के सभी व्यापारियों का व्यापार ठप पड़ गया। इससे सामने वाले होटल का मालिक वंशी नगरपालिका वालों को फोन करके, यहाँ पर चाट रेडी वाले मिलावटी खाना बेच रहे हैं कहकर और ऊपर से ट्रैफिक जाम भी बहुत हो रहा है कहकर उनपे शिकायत किया। इससे सुबह सुबह दो ऑफिसर परमेश्वरी के पास आए। उनमें से एक ऑफिसर, क्यों माँ तुम्हारे चाट भंडार के वजह से ट्रैफिक की समस्या हो रही है कहकर, उसके साथ साथ आप लोग मिलावटी खाना बेच रहे हैं कहकर हमें शिकायत मिली है, तुरंत इसे निकालना होगा, आपके पति को बुलाओ, बात करनी है, कहा परमेश्वरी। तब, बेटा हम दोनों विधवा है, ये रेडी लगा के जी रहे है, वैसे यहाँ ट्रैफिक की समस्या क्यों है, रोड खाली ही तो है, हमें यहाँ से निकाले तो हम भूख से मर जाएंगे, बोली। तब बगल में मौजूद एक दयालु ऑफिसर मधु, किसी ने कंप्लेंट किया है कहकर इन बेचारे महिलाओं पे क्यों भड़क रहे हो, मुझे अच्छा नहीं लग रहा है, इन्हें छोड़ दो, कहा। तब परमेश्वरी, बेटा तुम्हें देखे तो मेरा बेटा याद आ रहा है, सुबह ही आया था।
ये लो बेटा, गर्मा गर्म चाट खाओ, अभी बनाई, आप ही मदद करो बेटा, बोली। उसे खाकर ऑफिसर, ये तो अद्भुत है माँ, आपका खाना कितना अच्छा है, वो निकम्मे इस पे कंप्लेंट कैसे कर सकते हैं, अब से आपके आड़े कोई नहीं आएगा, अगर आया तो मुझसे बोलना, कहकर उसकी प्रशंसा करके चले गया। इससे उनका व्यापार बढ़कर उनके मुश्किलें दूर हो गईं।